शिवसेना के दूसरे नंबर के मंत्री एकनाथ शिंदे इस कदर रूठ गए कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी ही खतरे में पड़ गई। इस वीडियो में हम इसी बात का जिक्र करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे इतना नाराज हो गए। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बगावत करना शिंदे का फुल प्रूफ प्लान था जिसकी बिसात काफी समय से बिछाई जा रही थी। कहा जा रहा है कि शिंदे कोई एक रात में बागी नहीं हुए बल्कि इसकी स्क्रिप्ट राज्यसभा चुनाव के पहले से लिखी जा रही थी। मंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के फैसलों पर सीएम उद्धव ठाकरे रोक लगा देते थे, उनके विभागों की फाइलें भी रुकवा दी जाती थी। इसके अलावा शिवसेना का हिंदुत्व के मुद्दे से दूर होते जाना भी शिंदे को खटक रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को फडणवीस से शिंदे की दोस्ती खटकती थी। महाराष्ट्र में जब बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार थी तब भी शिंदे मंत्री थे। इसी दौरान उनके और फडणवीस के बीच दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई, जो आज भी कायम है। ये दोस्ती उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं थी, इसलिए उनकी शिंदे के प्रति नाराजगी बढ़ती चली गई। दूसरे शिवसेना नेताओं को भी एकनाथ शिंदे के बीजेपी नेताओं खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस के साथ अच्छे संबंध पसंद नहीं आते थे। शिंदे की इस बगावत के पीछे फडणवीस से उनकी इस दोस्ती को माना जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे की पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने दी। दरअसल शिंदे ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के कुछ आईएएस और डिप्टी कलेक्टर नियुक्त करना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने उनकी नियुक्ति नहीं होने दी। शिंदे की उद्धव से नाराजगी की और भी वजहें हैं। गौर करने वाली बात यह है कि शिवसेना प्रमुख के मुख्यमंत्री बनने से पहले एकनाथ शिंदे का नाम महाविकास अघाड़ी के सीएम पद के लिए आया था। इसके बाद उन्हें नगर विकास मंत्री बना दिया गया। सूत्रों के मुताबिक शिंदे अपने मंत्रालय में मुख्यमंत्री और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की दखल की वजह से काफी नाराज थे। वहीं अब बात करते हैं उनके बगावती प्लान की। एकनाथ शिंदे ने बगावत का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। इस प्लान की गोपनीयता इसी से समझी जा सकती है कि सूरत जाते समय शिंदे अपने साथ सिक्योरिटी भी नहीं ले गए थे। शिंदे के साथ रातों रात मुंबई छोड़ने वाले 40 विधायक जब सूरत के ला मेरिडियन होटल पहुंचे, तब लोगों को इसकी खबर लगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई से सूरत गुपचुप पहुंचाने में बीजेपी के एक बड़े नेता ने इन बागियों की मदद की है। सूरत जाने की पूरी स्क्रिप्ट सोमवार को हुए विधान परिषद चुनाव से दो दिन पहले लिखी गई थी। चुनाव के दौरान बीजेपी के हंगामे के बाद इसे हंगामा पहनाया गया। एकनाथ शिंदे को ठाकरे परिवार के बाद सबसे ताकतवर शिव सैनिक माना जाता है। वर्ष 1980 में शिव सैनिक बने एकनाथ शिंदे लगातार 4 बार से विधायक हैं। पार्टी में शिंदे सबसे ताकतवर हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें नजरअंदाज किया गया, जिसका ये फल है कि आज उद्धव सरकार खतरे में है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।